सो वाले को कैसे हो आपसे भाई हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप WhatsApp चैट्स को लॉक कर सकते हो, यानी WhatsApp चैट्स पर आप पासवर्ड को कैसे सेट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से हमें इस फीचर का इंतजार था, तो WhatsApp में एक नया फीचर आ चुका है WhatsApp चैट लॉक का। अब आप बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के WhatsApp चैट्स को लॉक कर सकते हो, WhatsApp चैट्स पर फिंगरप्रिंट को लगा सकते हो। आपके अलावा कोई दूसरा बंदा आपके चैट्स को ओपन नहीं कर पाएगा, ना ही WhatsApp चैट्स को पढ़ पाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, पूछा था कि कैसे हम WhatsApp चैट्स को लॉक करें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने WhatsApp चैट्स को लॉक कर सकते हो, WhatsApp चैट्स पर आप फिंगरप्रिंट को कैसे सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक है, आपको उसको सबसे पहले एक्टिवेट करना है, उसका सेटअप करना है। अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है, बैक में फिंगरप्रिंट लॉक है, आपको उसका सेटअप करना है, तभी आप चैट्स पर फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट कर सकते हो, लॉक को लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने अपने फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक को एक्टिवेट कर रखा है। ठीक है, अब आपको लॉक करने के लिए, यानी WhatsApp चैट्स को लॉक करने के लिए आपको WhatsApp को ओपन करना है। WhatsApp को ओपन करने के बाद आपको उस चैट पर क्लिक करना है जिसको आप लॉक करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अमित कुमार का जो चैट है उसको देख सकते हो, हम इसे लॉक करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको प्रोफाइल पर टैप करना है। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डिसअपीयरिंग मैसेज के नीचे एक फीचर मिलेगा चैट लॉक का। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपके WhatsApp में ये जो फीचर ये शो ना हो रहा हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने WhatsApp को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। ठीक है, तब दोस्तों आपके WhatsApp में ये फीचर ऐड हो जाएगा, शो होने लगेगा। ठीक है, लॉक करने के लिए सिंपली आपको चैट लॉक पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहां से लॉक दिस चैट विथ फिंगरप्रिंट, आपको इसको इनेबल करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ब्लैक शो हो रहा होगा। ठीक है, यहां पर आपको फिंगरप्रिंट को लगाना है, यानी अपने फिंगर को लगाना है, तो यहां पर हम फिंगर लगाते हैं। और दोस्तों हमारा जो चैट है वो लॉक हो चुका है। ठीक है, आपको यहां पर कैंसल और व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू पर टैप करना है। अब दोस्तों हमारा जो चैट है वो लॉक हो चुका है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो चैट लॉक हो चुका है। अब दोस्तों हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे ही हम इसको बैक करेंगे, ठीक है, आप होम स्क्रीन पर देख सकते हो एक नया फोल्डर बन चुका है, लॉक्ड चैट। लॉक्ड चैट आपको इस पर टैप करना है। जितने भी चैट्स आपने लॉक किए होंगे सब इसके अंदर आपको शो होंगे। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए अपना बायोमेट्रिक यूज करना होगा, फिंगरप्रिंट यूज करना होगा दोस्तों, तभी आप अपने चैट्स को ओपन कर पाओगे। ठीक है, स्क्रीन पर आपको ब्लैक शो हो रहा होगा, क्योंकि जितने भी पासवर्ड होते हैं, बायोमेट्रिक होते हैं, उसको स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पर बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ चुका है, हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाते हैं और दोस्तों चैट लॉक इनेबल हो चुका है। ठीक है, चैट लॉक इनेबल हो चुका है, अब यहाँ से हम अपने सभी चैट्स को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से अपने WhatsApp चैट्स पर लॉक को सेट कर सकते हो। अगर आप लॉक को हटाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको फिर से चैट पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर टैप करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, चैट लॉक को आपको यहाँ से डिसेबल करना है। ठीक है, आपको यहाँ से इसको डिसेबल करना है। दोस्तों जब आप इसको डिसेबल करोगे, ठीक है, तब आपको फिंगरप्रिंट देना होगा। ठीक है, आपको फिंगरप्रिंट देना होगा। दोस्तों आपका जो चैट है वो अनलॉक हो जाएगा, लॉक चैट पर से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको डिसेबल कर दिया है, अब हमारे होम स्क्रीन पर हमारा चैट आराम से शो होने लगेगा। ठीक है, अमित कुमार आप देख सकते हो दोस्तों, और जो फोल्डर था लॉक्ड चैट का वो गायब हो चुका है। ठीक है, इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने चैट्स पर लॉक सेट कर सकते हो, आपके अलावा आपके चैट्स को कोई दूसरा ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो या चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाते रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।